आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि इंसान कभी गरीब नहीं होगा यदि आप शास्त्र वस्त्र संहिता को पढ़ेंगे। तो आप कपड़ों से संबंधित कुछ बातें जान लें इस वीडियो में, जिससे आप कभी गरीब नहीं होंगे। रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति जो भी काम करता है उसका संबंध भूत भविष्य और वर्तमान से होता है। जीवन में जो भी कार्य किए जाए वो शास्त्र सम्मत होने चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार करने चाहिए। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है इससे। शास्त्रों में कहा गया है कि नहाने के बाद गीले वस्त्रों को ऊपर से उतारना चाहिए, नदी में स्नान करने के बाद कपड़ों को ऊपर से नीचे की ओर उतारें, भीगे हुए कपड़ों की चार परत करने के बाद निचोड़ें, कपड़े सुखाते समय पूर्व से या उत्तर से दक्षिण की ओर फैलाना चाहिए, निचोड़े हुए कपड़े को कंधे पर नहीं रखना चाहिए, नग्न अवस्था में स्नान नहीं करें, एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करें, ना यज्ञ करें, ना दान करें, ना अग्नि में आहुति दें, ना स्वाध्याय करें, ना पितृतर्पण करें। यज्ञम दानम जपो होमम, ये व्याघ्रपाद स्मृति में लिखी हुई है। जिसकी किनारी या मगजी नहीं लगी हुई हो ऐसे वस्त्र धारण करने योग्य नहीं होते हैं। पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। ना प्रशोलतम पूर्वधृतम वस्त्रम विभ्रयात्, यह विष्णु स्मृति में लिखा हुआ है। वस्त्र के ऊपर जल छिड़क कर ही उसे पहनना चाहिए। धन के रहते हुए पुराने और मैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मनुष्य को भीगे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। न चैवाद्राणी वशानानी, ये महाभारत में लिखा हुआ है। अधिक लाल रंग बिरंगे नीले और काले वस्त्र के धारण करना उत्तम नहीं होता है। कपड़ों और गहनों को उल्टा कभी नहीं पहनना चाहिए। दूसरे के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तथा नान्यघृतम धार्यम, सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए। जिसमें आप सोते हैं हमेशा दूसरा वस्त्र होना चाहिए। सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा और देवताओं की पूजा करने के लिए दूसरा वस्त्र रखना चाहिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।